नमस्कार, मैं हूं आकाश। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स आवर। अगर अब तक आपने बल्लेबाजी.com ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो फटाफट डाउनलोड करिए, उस पर टीम बनाइए, पैसे कमाइए। सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि अगर आप मैच से पहले इस पर टीम बनाना भूल जाते हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। घबराने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि आप सेकेंड इनिंग से पहले भी इस पर आप टीम बना सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दिल्ली की टीम जो सुपर ओवर में इस मैच को जीत पाई, हैदराबाद को हराई है दिल्ली की टीम ने, तो दिल्ली की टीम के तरफ से पांच बड़े हीरो कौन रहे जिसकी वजह से दिल्ली की टीम को जीत मिली। सबसे पहला नाम पृथ्वी शॉ का। पृथ्वी शॉ का नाम इसलिए क्योंकि उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से आज बैटिंग की। दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से वो रनआउट हुए और रनआउट जब हुए तब कप्तान ऋषभ पंत उनके साथ पिच पर थे। ऋषभ पंत के साथ उनकी उस तरीके से बातचीत नहीं हो पाई, जोड़ी रनिंग बिटवीन द विकेट जो है उसमें थोड़ी सी गड़बड़ी आई। बहुत आगे चले गए थे पृथ्वी शॉ, ऋषभ पंत अपने पिच से बहुत बहुत कम आगे आए थे और उसी में तालमेल बिगड़ा और फिर पृथ्वी शॉ आउट हो गए। उसके बाद हम बात करेंगे ऋषभ पंत की। ऋषभ पंत का नाम इसलिए क्योंकि ऋषभ पंत ने बहुत ही शानदार तरीके से इस मैच में रन तो उन्होंने जो बनाए वो बनाए ही, कप्तानी की तारीफ उनकी इसलिए करेंगे क्योंकि उन्होंने अक्षर पटेल को सुपर ओवर में गेंदबाजी करने के लिए दिया और अक्षर पटेल सिर्फ 8 रन खर्च किए। हैदराबाद की टीम सिर्फ 8 रन बना पाई जिससे दिल्ली को बहुत कम स्कोर बनाने को मिला। उसके बाद हम स्मिथ की बात करेंगे। स्मिथ ने भी आज के मैच में बढ़िया खेला है। स्मिथ की तारीफ हम इसलिए करेंगे क्योंकि स्मिथ ने 25 गेंद में 34 रन बनाए जिसमें 3 चौके और 1 छक्के शामिल हैं। स्ट्राइक रेट हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं था लेकिन 25 गेंद में 34 रन उन्होंने जिस वक्त में बनाए उस वक्त में बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी टीम को उनकी और उन्होंने इस पर में खुद को साबित किया। उन्होंने ऋषभ पंत के भरोसे को जीत लिया। अक्षर पटेल की बातचीत हम इसलिए करेंगे क्योंकि सुपर ओवर में जैसा कि हमने पहले ही कहा कि पंत की कप्तानी की तारीफ के साथ साथ आपको अक्षर पटेल की गेंदबाजी की भी तारीफ करनी होगी। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने सुपर ओवर में, मैं बाकी मैच की तारीफ बातें छोड़ देता हूं, मैं सिर्फ सुपर ओवर की बात करता हूं, सुपर ओवर में उन्होंने जिस तरीके से गेंदबाजी की और सामने वार्नर थे उनको भी नहीं उन्होंने बैट चलाने दिया और जो अंदाज था जिस तरीके से अक्षर पटेल ने किया इस मैच में गेंदबाजी की, इसके लिए हमने उनको चौथे नंबर पर रखा है। उसके बाद हमने रखा है आवेश खान को। आवेश खान का नाम इसलिए क्योंकि आवेश खान ने बहुत ही शानदार तरीके से इस मैच में गेंदबाजी की। मैं आपको बता देता हूं कि आवेश खान ने किस तरीके से सनराइजर्स की टीम को बांध करके रखा और आवेश खान ने 4 ओवर में 34 रन ज़रूर खर्च किए लेकिन उनके हिस्से 3 विकेट आया जिसकी वजह से हैदराबाद की टीम थोड़ी सी कमजोर दिखी। एक बार फिर से अपने तमाम दर्शकों को मैं बता दूं कि अगर अब तक आपने बल्लेबाजी.com ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिए, उस पर पैसे कमाइए, आप उस पर टीम बनाइए। साथ ही अगर आप किसी भी वजह से टीम नहीं बना पाते हैं मैच से पहले तो सेकेंड इनिंग से पहले आप उस पर टीम बना सकते हैं और टीम बना करके पैसे कमा सकते हैं। एक बार फिर से अपने तमाम दर्शकों को मैं बता दूं कि 5 जो सबसे अहम किरदार रहे दिल्ली की जीत में उसमें सबसे पहले पृथ्वी शॉ, फिर ऋषभ पंत, फिर स्मिथ, फिर अक्षर पटेल और फिर आवेश खान। शुक्रिया।